कर्नाटक का ये दुर्भाग्य है कि बीजेपी ऐसी पार्टी कर्नाटक में हुकूमत में आई, लोग समझे पहली बार आए हैं कुछ अच्छा भी कर सकेंगे, लेकिन 3.5 बरस की हुकूमत में और पहले कुमार स्वामी के 20 महीने की हुकूमत में बीजेपी ने अपना जो रियल कलर है वो दिखाया। लूट करो, लूट मारी करो, अल्पसंख्यकों पर, गरीबों पर, पिछड़े वर्गों पर अटैक करो और हुकूमत चलाओ। आज बीजेपी सरकार कर्नाटक को बड़ा शाप हुआ है, बड़ा कर्ज हुआ है। हमारे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी पहले मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, जो जेल में करप्शन चार्ज पर गए हैं। तो कानून के हाथ बहुत बड़े हैं, बहुत लंबे हैं। कानून को कोई भी तोड़ेगा दिन एक दिन सिपट जाएगा, वो आज साबित हुआ है। तो ये सब लोगों का एक सबक है, न्याय से चलो, नीति से चलो, अच्छा कैरेक्टर रखो, अच्छी इंटीग्रिटी रखो, हुकूमत में अच्छे काम करो, पाक काम करो, डेवलपमेंट करो, गरीबों के काम करो, और जो करप्शन में फंसेगा उसको ये सजा होगी। बोलो, आडवाणी साहब की रथ यात्रा अभी कर्नाटक में भी दाखिल हो रही, जो रथ यात्रा आने दो, आडवाणी आने दो, उससे कुछ फर्क होने वाला नहीं है। आडवाणी साहब ने अपनी रथ यात्रा कर्नाटक से शुरू होनी चाहिए थी, क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ कर रहे हैं, तो करप्शन का माहौल तो इधर है, इधर से वो अगर शुरू कर देते तो बहुत अच्छा होता था। शुक्रिया।